नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं जांगिट जर्नीज के एक और नए वीडियो में। तो आज ये जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है सभी श्याम प्रेमियों के लिए। तो सबसे पहले जयकारा लगाते हैं, बोलो श्याम बाबा की जय। तो दोस्तों आज हम निकल चुके हैं जयपुर से खाटू श्याम जी के लिए। रस्ते में किस किस जगह पे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है ये सारी चीजें आपको बताएंगे। मेरे साथ आज है मेरी वाइफ सरिता, जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। तो अब चलते हैं, हम जयपुर से निकल गए हैं। लमसम 80-90 किलोमीटर का जो सफर है वो हम गाड़ी से तय करेंगे, और उसके बाद में तोरण द्वार से पहले पार्किंग की क्या फैसिलिटी है, जहाँ पे भी पार्किंग मिलेगी वहां पे गाड़ी को लगाएंगे पार्किंग में, और आगे का सफर शुरू करेंगे पैदल। तो वीडियो में बने रहिएगा और कमेंट्स में लिख दीजिएगा जय श्री श्याम। तो दोस्तों अब अपन पहुंच गए हैं सीकर रोड पे, और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने जहाँ पे सालासर और खाटू श्याम जी का बोर्ड भी आ रहा है, ये रोड सीधा जो राइट में अपन ले रहे हैं, लेफ्ट जो राइट में जा रहा है वो दिल्ली को कनेक्ट करता है, और जो पुल के नीचे से आ रहा है वो जयपुर सिटी के अंदर से आ रहा है। अब अगर कोई भी अजमेर से आता है, दिल्ली से आता है, वो सीधा इस रूट को ले सकते हैं। ये NH है और ये टोल रोड है। यहाँ पे आपको शायद मोस्ट प्रोबली अगर हम रिंगस से जा पाए तब तो एक टोल लगेगा, और रिंगस से नहीं गए आगे घूम के जाना पड़ा तो दो टोल टैक्स आएंगे, एक पलसाना का टोल टैक्स आएगा और एक काठियावास टोल प्लाजा का। तो दोस्तों माहौल कुछ ऐसा है, रोड के ऊपर जाम कंटिन्यू मिल रहा है, 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और जहां पे भी भंडारे लगे हुए हैं जैसे आप देख पा रहे हैं आगे भंडारे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे गाड़ियां रुक रही हैं, लोगों को रोक रोक कर भक्त उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके आइएगा, क्योंकि सेवा मिलने वाली है, बाबा का प्रसाद आपको जगह जगह मिलने वाला है। तो ऑलमोस्ट दोस्तों अपने को जयपुर से निकले हुए 38 मिनट हो गए हैं, टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन बाबा के भक्तों में कोई भी कसर नहीं है, वो नंगे पैर चल रहे हैं इस टेम्परेचर में भी। और ट्रैफिक की हालत ऐसी है, ट्रैफिक में बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही है बार बार, क्योंकि सामने भंडारे चल रहे हैं और लोग खाना पानी कर रहे हैं वहां पे अपनी गाड़ियां रोक के। बट सबसे अच्छी बात यह है कि अपन बहुत सही टाइम पे निकले हैं। अभी जो टाइम हो रहा है वो 3:38 हो रहा है, और अपना टारगेट है कि किसी भी तरीके से 6 बजे तक खाटू की पार्किंग में अपने को पहुंचना है। चारों तरफ सेवा का माहौल है, ये देखिए गाड़ी आ गई, लोग जूस पिला रहे हैं, और खाने की भी अच्छी फैसिलिटीज भंडारों के अंदर की गई है। तो नमन है बाबा को जिसमें इतनी शक्ति है, और उन लोगों को भी नमन है जो इतना खर्चा करते हैं बाबा के भक्तों के लिए, उनकी सेवा करते हैं पुण्य कमाने के लिए। तो बोलिए जय श्री श्याम। तो दोस्तों काफी देर से इसी जाम में फंसे पड़े हैं, रेंग रेंग के चल रहे हैं, लमसम 10 मिनट तो हो गई है इस जाम से जूझते हुए, पर बाबा का बुलावा आया है तो जाना ही पड़ेगा, रुक नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट टोल टैक्स से अपन 500 मीटर की दूरी पे हैं, और जाम इतना ज्यादा है कि इसको पता नहीं क्लियर होने में अब कितना टाइम लगेगा,
जिस तरीके से कछुआ रेंगता है उस तरीके से रेंग रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं आगे की तरफ। और कुछ सामने भंडारे भी इतने लगे हुए हैं तो जिनकी वजह से अभी ये इशू आ रहा है कि लोग बाग खाने पीने के लिए रुक रहे हैं। ये देखिए जिस तरीके से गाड़ियों को लगा लगा के रोक रहे हैं यहाँ पे। और तीसरी चीज भीड़ इस चीज की भी है कि जिन लोगों के फास्टैग पेटीएम के थे वो लोग अपना फास्टैग चेंज करवा रहे हैं, तो टोल टैक्स के पास में ये सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो लमसम 4:17 हो चुके हैं और चले जा रहे हैं बस अपनी धुन में, पहुंचते हैं बाबा के पास, फिर मिलते हैं आपसे। तो फाइनली दोस्तों अपने वो टाटियावास टोल प्लाजा के दर्शन हो गए हैं और भीड़ काफी ज्यादा है यहाँ पे, लोग अपनी लेन भी क्रॉस कर रहे हैं बार बार, फिर भी फाइनली अपन पहुंच गए हैं आधे घंटे की मशक्कत के बाद। अब टोल टैक्स क्रॉस करते हैं और चोमू उसके बाद आएगा, चोमू और चोमू के बाद रिंगस। दोस्तों देखो ये चीजें रोंगटे खड़े कर देती है, इतने भक्त जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं, न उनको धूप का डर है न उनको छाया की जरूरत है, बस बाबा का नाम लेते हैं और निकल जाते हैं उनका निशान उठा के। जय श्री श्याम। दोस्तों बार बार जाम से सामना हो रहा है और जाम की स्थिति ऐसी है कि लमसम 80 किलोमीटर आने के लिए 1.25 घंटा बहुत होता है, बट अभी ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो गए हैं बट रिंगस भी नहीं पहुंचे। टाइम देख लो आप लोग जो हो रहा है, 5:02 हो रही है, गाड़ी का एवरेज भी टूट रहा है क्योंकि बार बार गाड़ी फर्स्ट और सेकंड गियर में ही चल रही है। तो कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी पहुंचने की, फिर मिलते हैं आपसे वहां पे। रिंगस के पास पहुंच गए हैं 1 घंटा जाम से जूझने के बाद में, और माहौल इतना प्यारा है, शाम प्रेमी शाम भक्त उनका सैलाब चल रहा है सड़क के ऊपर। मैं अभी आपको दिखाता हूं एक बार, सामने देखिए आप इस तरीके से सैलाब चल रहा है, चारों तरफ भंडारे लगे हुए हैं और जो माहौल है वाह। जाम में परेशानी तो हुई लेकिन श्याम बाबा के भजन सुनते सुनते जो मजा और जो आनंद आया है शब्दों में तो बयां किया ही नहीं जा सकता। दोस्तों शाम हो गई है, 6:41 हो गए हैं, अभी तक रिंगस नहीं पहुंचे हैं और माहौल आप देख रहे हो, यात्राएं चल रही हैं, ट्रैफिक भी अब धीरे धीरे चलने लग गया है और बड़ा यानी कि शानदार नज़ारा है। अगर आप गाड़ी से आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेके चलना पड़ेगा, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आप 2 घंटे में पहुंचोगे जयपुर से, 3 घंटे में, टाइम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आराम से हो सकता है। अब ये देखिए यात्राएं देखिए आप, जिस तरीके से भक्तगण जा रहे हैं, आहा, क्या आनंदित माहौल है। तो दोस्तों काफी देर चल लिए, अब लिया है एक टी ब्रेक, तो पीते हैं एक बढ़िया सी चाय फिर मिलते हैं आपसे रिंगस में। तो अपन पहुंच गए हैं मंडा और मंडा से अपने को लेना है लेफ्ट टर्न, ये 15 किलोमीटर दूर पड़ता है रिंगस से
और यहाँ से अभी सभी गाड़ियों के आगे जाने की व्यवस्था की हुई है। और ये जो आप सामने द्वार देख रहे हैं, ये श्री श्याम द्वार है जो मंडा से जाता है सीधा पार्किंग की ओर। तो सबसे पहले चलते हैं पार्किंग में, क्योंकि टाइम ऑलरेडी 7:46 हो चुका है और हमने जो प्रिडिक्ट किया था ये था कि 6 बजे तक पहुंचना था, बट ऑलरेडी 7:45 बज चुके हैं। तो सबसे पहले पहुंचते हैं पार्किंग में और फिर करते हैं अपनी यात्रा की शुरुआत। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 8:24 और अपन पार्किंग के पास में पहुंच गए हैं। जाम तो यहाँ पे भी बराबर लगा हुआ है, पीछे भी गाड़ियों की लंबी कतार है और अपन अभी पार्किंग में जाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कब तक अपन पार्किंग में पहुंचेंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 8:30 बज चुके हैं। तो दर्शन देखना है 12 बजे से पहले होते हैं या उसके बाद। तो दोस्तों फाइनली अपन ने गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया है और ये कुछ पार्किंग का नजारा है। काफी दूर तक पार्किंग फैली हुई है, 4-5 डिविजन्स में पार्किंग को बांटा हुआ है, जहाँ पे कम से कम 2000 पार्क गाड़ियाँ एक साथ पार्क हो सकती है। और अपन ने जूते वगैरह सब गाड़ी में निकाल दिए हैं, अब यहाँ से चल रहे हैं सीधे बाबा के दर्शन करने के लिए। तो इस यात्रा को शुरू करते हैं बाबा का नाम लेके, जय श्री श्याम। तो माहौल बड़ा शानदार हो रहा है, आप ये देख रहे हैं इधर से जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं सारी जा रही है पार्किंग में, और अपन लोग जा रहे हैं सीधा इधर से, अपन लेंगे इस तरफ और यहाँ से सीधा मेन रोड में मिल जाएंगे। और मेरी और सरिता की हालत कुछ अभी ऐसी है क्योंकि अभी चलना स्टार्ट ही किया है, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे लेंगे और उसके बाद देखते हैं, पहले कुछ खाएंगे, कोई अच्छा सा होटल देखते हैं, अगर होटल्स वगैरह बन रहे तो भंडारा लेंगे। तो चलते हैं थोड़ा आगे। तो फाइनली अपन रिंगस वाली मेन रोड पे चढ़ चुके हैं जो खाटू के लिए जाता है। अभी अपने को ये नहीं पता है कि अपन खाटू से कितनी दूर हैं, बट जिस तरीके से आप ये देखो भीड़ चल रही है, अपन भीड़ के पीछे चल रहे हैं, तो आई थिंक 2-3 घंटे में अपन पहुंच जाएंगे वहां पे। कैरी नहीं कर सकते थे उसके साथ, कैरी नहीं कर सकते। सो फाइनली अपन ज़िगज़ैग में एंटर कर गए हैं। जय श्री श्याम, बाबा साहब वेलकम। यहाँ से आई थिंक अनाउंसमेंट्स चालू है, लोग घूम रहे हैं यहाँ पे से आए हैं। सागर आपका मंदिर निकास पर जो प्रसाद वरसाद की व्यवस्था यहाँ पे चारों तरफ चालू है, आप उनसे मिल ले। लखदातार ग्राउंड, चलो अब उसमें एंट्री करते हैं और चलते हैं बाबा से मिलने आगे। दोस्तों मन्नत के जो नारियल है वो यहीं पे चढ़ा दिए हैं। वर्कआउट रिज्यूम्ड, डिस्टेंस 5 किलोमीटर्स, ड्यूरेशन 1 hour 13 minutes। Resumed.
बाबा से अब कुछ देर में ही अपन मिलने वाले हैं, क्या पता आगे कैमरा अलाउ होगा या नहीं होगा, बट बाबा के दर्शन हो गए हैं, अब निकल गए हैं अपन बाहर। वर्कआउट रिज्यूम्ड। तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब डिनर के लिए रुके हैं, अभी डिनर करेंगे मैं और सरिता। ये कुछ मेनू है, अपन ने मंगाया है, क्या मंगाया है, सेव टमाटर, पनीर चटनी और तंदूरी रोटी। तो खाना खाते हैं उसके बाद निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं।